अरे आप अपनी हड्डियां भी गला दोगे ना तब भी यही औकात रह जाएगी। बस फाइल पढ़ो और रिपोर्ट दो, फैसले और कुर्सी का मजा कोई और लेके चला जाएगा। इंदर, हमारा खुद का तो कोई बेटा है नहीं, मगर भगवान की कृपा से इतना समझदार और होनहार दामाद है, उसे क्यों नहीं इन्वॉल्व करते आप बिजनेस में? ऐसे उनका पलड़ा भी ज्यादा भारी नहीं रहेगा। हाँ चाची, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या सोच रही हूं मैं? चाची जी, आप ऐसा मत सोचे कि आपका कोई बेटा नहीं है। अंश भी आपके बेटे जैसे हैं, वो आप दोनों की इतनी फिक्र करते हैं। कितनी तेज लड़की हो तुम, पहले दरवाजे के बाहर खड़े होकर कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी, फिर ऐसे कमरे में चली आई और अब यहाँ खड़े होकर हमें प्रवचन दे रही हो। देखो, तुम्हारा प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी चाची जी, मैं तो बस पानी लेकर। बस बस, प्लीज भोली शक्ल का ना फायदा मत उठाओ। मैं सब समझती हूँ, तुम नहीं चाहती ना कि कोई भी तुम्हारे पति के आगे आए, भले मैं तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। वरुण इस घर में आएगा, इनके साथ खड़े होके वो अपना हक लेगा। सीता मैया, लो खीर खा लो, बहुत मजे की है। अरे भाई, हमारे मान भैया की तरक्की की खुशी में इस घर में बनी है। खाओ खाओ, बॉस बन गए हैं मान भैया। लेकिन हमें दुगनी खुशी इस बात की है कि यहाँ पे जो मामा घूमते रहते हैं ना, दोनों मामा, उनके बीच में जो दरार डली है ना, वाह मजा आ गया। ये रिश्ते दिल से जुड़े हैं पवित्रा, इनमें हल्की सी दरार जरूर आ सकती पर ये टूटेंगे नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम कामयाब हो रही, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बार भी चोट तुम्हें ही लगेगी, तो संभल के रहना, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी हार जाओगी। या पवित्रा, अगर आज के बाद तुमने बड़ी माँ को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांगो बड़ी माँ से। काय की माफी मांगे इनसे? अरे हमने जो कुछ किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। बस पवित्रा, बहुत सुन लिया मैंने, चुपचाप इसी वक्त बड़ी माँ से माफी मांग, वरना इस बार मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। समझे तुम? माफी मांगो। पवित्रा, ठीक है सॉरी। आप लोगों ने हमसे जबरदस्ती माफी तो मंगवा ली, पर हम बता दे रहे हैं अभी भी खतरा टला नहीं है।